Dear students, in this topic we shall discuss the substructure or ultrastructure of myofilaments. A myofilament is composed of thick and thin filaments. The thick filaments extend the entire length of a band. Jo a band hai, is kipuri length. Mein थिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं दीज फिलामेंट्स आर अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड आर कंपोज ऑफ अबाउट 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन ए मायोसिन मॉलिक्यूल इज अ प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हैवी चेंोटीन है जिसमें दो हैवी चेन्स हैं और ये जो दो हैवी चेन्स हैं दे आर क्वाइल्ड टूगेदर एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल इस टेल के अलावा मायोसिन के पास ये दो ग्लोबुलर हैड्स भी हैं दीज हैड्स आर ऑल्सो फॉर्मड ऑफ टू हैवी चें अलोंग विद थ्री आर फोर कैल्शियम बाइंडिंग लाइट चेंस यानी के हेड में दो हैवी चें के अलावा एक्स्ट्रा तीन या चार लाइट चें होती हैं और ये जो लाइट हैं, दे आर कैल्शियम बाइंडिंग चेंस दीज आर दीज हेड्स, दीज आर दी हेड्स विच फॉर्म क्रॉस ब्रिजेज बिटवीन दी थिक एंड थीन माओफिलमेंट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं वो इन हेड्स की वजह से बनते हैं ये स्टूडेंट्स थिन फिलामेंट्स आर अबाउट सेवन टू एट नैनोमीटर थिक एंड दे एक्सटेंड अक्रॉस द आई बैंड लेकिन ये आई बैंड के अलावा ए बैंड में मायोसिन के फिलामेंट्स के साथ ए बैंड के डार्कर रीजन् में ओवरलैप भी करते हैं इस तरह से आई बैंड में थिन फिलामेंट्स है लेकिन ये थिन फिलामेंट्स इसके अलावा ए बैंड में भी एंटर होते हैं जहां पर ये मायोसिन को ओवरलैप करते हैं लेकिन ए बैंड में मुकम्मल तौर पर ये थिन फिलामेंट्स मौजूद नहीं होते बल्कि सिर्फ जो ए बैंड के ज़्यादा डार्कर हैं यानी कि एच जोन को छोड़ के उन रीजन् में ये एक्टिन के थिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं दीज थिन फिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ एक्टीन मॉलिक्यूल्स विच इज एपोटीन डियर स्टूडेंट्स इन थिन फिलामेंट्स एक्टीन मॉलिक्यूल्स आर अरेन्ज्ड इन टू चेन्स विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर एक्टिन का जो जो थिन फिलामेंट है उसमें दो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं दो चेन्स की फॉर्म में मौजूद हैं जो एक दूसरे के गेट वाइंड अप हुई हैं या ट्विस्ट हो रही हैं अब इस एक्टिन के अराउंड एक और प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के भी दो स्ट्रेंड्स हैं जो इसके गिर्द यानी एक्टिन के गिर्द ट्विस्ट करते हैं एक रिलैक्स्ड मसल फाइबर में जो है ये एक्टीन और मायोसिन के ब्रिजेस बनने से के अमल को रोके रखती है थिन फिलामेंट्स आल्सो हैव कॉम्प्लेक्स ट्रोपोनिन दिस ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ़ थ्री पॉलीपेप्टाइड्स। ट्रोपोनिन इज नॉट कॉन्टिन्यूस But it is present at intervals of about 40 nanometers along the length of thin filaments. Dear students, the troponin polypeptide, which is a three polypeptide complex, has three different types of polypeptides. These polypeptides include the TNI, which is inhibitory.

टी एन टी डोमेन जो है या पॉलीपेप्टाइड जो है यूज होती है तीसरी टाइप की जो ट्रोपोनिन पॉलीपेप्टाइड है दैट इज कॉल्ड टी एन सी डैट बाइंड विद इट कैल्शियम आइंस ये जो एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अटैच हैं दे एक्चुअली हेल्प टू कंट्रोल दी एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शंस विच आर इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रेक्शन क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है तो कभी मसल कॉन्ट्रैक्टेड होता है और कभी रिलैक्सड होता है तो ये एक्टिन और मायोसिन के आपस के इंट्रैक्शन की वजह से होता है जब ये इंटरेक्शंस करवाने होते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है अदरवाइज जब मसल uh, कॉन्टेक्टेड हालत में नहीं होता तो क्रॉस ब्रिजेस को रोक के रखना ये भी ज़रूरी होता है और इसमें यह जो ट्रोपोनिन है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये स्टूडेंट्स ये जो मायोफिलामेंट uh, है इसमें एक ए बैंड के सेंट्रल पोर्शन में एक uh, एच जोन भी है दिस एच जोन अपीयर्स लाइटर इन कलर देन दर रीजन ऑफ ए बैंड दिस एच जोन इज द रीजन विच कंटेन्स ओनली द थिक फिलाेंट्स ये वो रीजन है जहां पर थिक और थीन फिलाेंट्स ओवरलैप नहीं कर रहे होते क्योंकि तो हमने जैसे कि बताया था कि जो ए बैंड है उसमें थिक और थीन फिलामेंट्स दोनों ओवरलैप भी करते हैं उस रीजन को छोड़ के जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं और इस रीजन में आ, इसलिए यह कंपैरेटिवली लाइटर अपीयर होता है देर इज नो ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन इन दिस रीजन सो एच जोन जो है एच जोन को अगर सेंटर से देखते हैं तो इसके दरमियान में देयर इज एन एम लाइन और ये जो एम लाइन है This is the region which contains an enzyme which is involved in energy metabolism.